जोहार दादा साहब, तनिक सबके शुभ संध्या, गुड इवनिंग आर बेस्ट सांग। आज के वीडियो खट्टा में ना, आज के वीडियो हिंदी में इंस्टाग्राम से रिलेटेड हो, क्या कि बहुत नेसेसरी वीडियो लग सुन लिए काम दे। तो हुआ ये था कि मेरा इंस्टाग्राम, वैसे तो मैं लचर पचर वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन वो वीडियो भी सही था लेकिन पता नहीं इंस्टाग्राम टीम ने वो किया था या कोई व्यक्ति विशेष या कोई समूह विशेष ने किया था, जो भी हो, लेकिन मेरा कुछ नुकसान हुआ था। हुआ ये था कि मेरा एक वीडियो इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी गाइडलाइन वॉलेशन के अंडर आ गया था, जिससे कि मेरा जो रीच है वीडियो का वो यहाँ से यहाँ आ गया था। एक सप्ताह तक ये चलता रहा। अभी एक दो दिन में कुछ ठीक हुआ है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, कुछ ठीक हुआ है। तो बस इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है सभी के लिए लाभदायक है। तो गाइज, मुझे ये पता कैसे चला? मुझे पता ऐसे चला कि मेरा जो रीच था वो कंटिन्यू एक दिन में पर डे मेरा जो एवरेज था वो 200 के अप्रोक्स था, लेकिन अचानक से मेरा रीच डाउन हो गया। मेरा जो रीच है वो मेरे फॉलोअर्स तक ही लिमिटेड हो गए। वो उसके बाद मुझे थोड़ा सा बुरा लगने लगा कि यार मेरा जो रीच है वो यहाँ से यहाँ कैसे आ गया। तो फिर मैंने सेटिंग्स में गया और एक्टिव स्टेटस में देखा कि मेरा जो एक वीडियो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन वॉलेशन के अंडर है। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि ये इससे होता क्या है। तो इससे होता ये है कि आपका जो आईडी है वो पूरी तरह से सीज कर दिया जाता है। लेकिन ये हुआ कैसे ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जो मेरा वीडियो तो आप देखते ही हैं कि मेरा वीडियो साफ सुथरा होता है। शायद हो सकता है कि इंस्टाग्राम को खट्टा नहीं आता हो इसीलिए कर दिया गया हो। तो मैंने रिव्यू के लिए भेजा हुआ था, लेकिन वहाँ से भी रिजेक्शन मिला। वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया गया कि आपका जो वीडियो है वो पूरी तरह से हमारे कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन के अंडर ही है। मुझे तो झटका लगा कि यार ये तो साफ सुथरा वीडियो है, वो जो अनाप शनाप बक के चले जाते हैं उनका वीडियो मतलब सही है, और हम जो कुछ नहीं करते हैं मेरा वीडियो यहाँ कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन के अंडर डाल दिया जाता है। तो रीज़न यही है कि खट्टा समझ में नहीं आता इंस्टाग्राम को। तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है इन फ्यूचर नोटिफिकेशन आया हुआ है कि इन फ्यूचर इंस्टाग्राम रील्स में भी अर्निंग हो सकती है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आपके साथ ये ना हो, क्योंकि एक दो लोग जो हैं अनाप शनाप कमेंट कर देते हैं और बोलते हैं कि मैंने ये तो 10-20 आईडी में मतलब अनाप शनाप कमेंट किया फिर भी नहीं हो रहा है। तो भैया आपस में लड़ाई होता है तो कोई किसी को कुछ नहीं बोला जाता है, लेकिन अगर दोनों में से कोई रिपोर्ट कर दे थाने में तभी FIR होता है, तभी केस बनता है। तो वैसे ही इंस्टाग्राम भी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आपके साथ यह ना हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका आईडी में 200 फॉलोवर ही है, मात्र 200 फॉलोवर, और आपका अकाउंट डिलीट हो जाता है, तो आपकी क्या गारंटी है कि वही 200 लोग पुनः आपको फॉलो कर ही लेंगे? ऐसा नहीं होता भैया, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया हुआ है। मैंने कुछ दिनों पहले ही इंस्टाग्राम के पे एक न्यू आईडी बनाया था, सोचा कि 1,13,000 इसमें है तो कुछ तो इसमें आ जाएंगे, कुछ दिनों के अंदर हो सकता है 10,000-20,000 हो जाए, लेकिन मेरा ऐसा नहीं हुआ भैया। मेरा मात्र अभी तक 700 उसमें न्यू आईडी में 700 फॉलोवर हुआ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके जो 200 फॉलोवर हैं वो 200 फॉलोवर आपको फॉलो ही कर लेंगे। तो कुछ भी गेन करो तो उसको खोना नहीं है, क्योंकि खो के आपका कुछ होगा नहीं। इसीलिए थोड़ा बहुत सोच समझ के उनके कम्युनिटी गाइडलाइन को अच्छी तरह से पढ़ के उसके अकॉर्डिंग ही काम कीजिए, तो आपका भी बेनिफिट होगा और इंस्टाग्राम को भी बेनिफिट हो जैसे। तो बस और कहना ये भी था कि काम ऐसे करो कि सभी को सराहना करे, न कि किसी के मन को आहत हो या ठेस पहुँचे। क्योंकि एक पत्रिका आई हुई है, मैं हूँ झारखंड करके, उसमें धनबाद के एक यूट्यूबर को जगह दी गई है, तो आप भी ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपको भी कुछ यहाँ वहाँ नाम हो आपका भी। तो गाइज बस इतना ही कहके मैं वीडियो को लास्ट एंड करना चाहता हूँ। मुझे तो ब्लॉगिंग करना भी नहीं आता और ना ही ये टेक चैनल है कि मैं टेक्निकल बताता हूँ, बस ये नेसेसरी
एक जानकारी था जो मुझे देना अच्छा लग रहा था कि मेरा मेरे साथ जो हुआ, आइए आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। तो गाइस इस तरह से आप लोग भी अपना वायलेशन चेक कर सकते हैं। करना ये है कि इंस्टाग्राम में घुसना है, उसके बाद अपने होम पेज पे जाना है, फिर थ्री लकीर पे टच करना है, सेटिंग में जाना है, फिर उसके बाद आएगा आपका देख लीजिए बहुत सारा ऑप्शन, तो आपको अकाउंट्स में जाना है, फिर अकाउंट्स में जाके अकाउंट स्टेटस में जाना है। अकाउंट स्टेटस में जाने के बाद वो आपको शो करेगा कि आपका कौन सा वीडियो या पोस्ट वायलेशन में है। तो देख लीजिए मेरा एक पोस्ट आ चुका है और मेरा पोस्ट रिमूव हो चुका है वैसे ऑलरेडी, लेकिन ये वॉलेशन से जा नहीं रहा है। मैंने रिक्वेस्ट के लिए भी भेजा हुआ है, देख सकते हैं रिव्यू रिक्वेस्टेड, लेकिन यहाँ से भी रिक्वेस्टेड तो कर मतलब पहले भी किया हुआ था और इससे आगे भी मैं बढ़ चुका था। देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ कहाँ से वो, ये देखिए हेल्प में जाना है, थ्री डॉट के बाद हेल्प में जाना है, देखिए उसके बाद सपोर्ट रिक्वेस्ट में जाना है, फिर वहाँ पे आपको दिखेगा कि मतलब आप कहाँ तक प्रोसेस किए हुए हैं। तो देखिए मैं आगे जा चुका था, उसके बाद देखिए योर एक्सेस टू वहाँ मैं ये देखिए यहाँ पे मेरा जो रिक्वेस्ट किया हुआ था वो दिख रहा है, मेरा वीडियो भी दिख रहा है कौन सा वीडियो है। मैं दो प्रोसेस हो चुका था मेरा, लेकिन मेरा वीडियो जो है वापस नहीं आया, तो मैं ओवरसाइट बोर्ड के पास भी गया था वहाँ पे, लेकिन मैंने कुछ प्रोसेस किया नहीं क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से जब हो चुका है तो ये जो चीज़ है ओवरसाइट बोर्ड ये इंस्टाग्राम का पार्ट नहीं है, इसीलिए मैं आगे कुछ प्रोसेस किया नहीं मैंने। तो उसके बाद उसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि मेरा जो रीच है या व्यू है कुछ हद तक बढ़ा था, इसीलिए मैंने फिर बोला कि नहीं देख लेते हैं क्या होता है दो चार दिन, और तो देखा कि ठीक ठाक ही चला। देखिए यहाँ पे पांच ऑप्शंस होता है, ये पांच स्टेप्स से गुजरने के बाद ओवरसाइट बोर्ड पे जाता है, वहाँ पे कुछ जज बैठे इसको जजमेंट देते हैं, वो उनका पर्सनल डिसीजन होता है, तो यहाँ से जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और एक चीज़ गाइस कि बहुत सारे लोगों ने जब मैंने अनाउंसमेंट किया कि मैं अपना न्यू आईडी बनाने जा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने अपना न्यू अकाउंट मेरे नाम से क्रिएट करके और दूसरों को मैसेज भी कर रहे हो। अरे भाई मैसेज क्यों कर रहे हो, सारा स्क्रीनशॉट मेरे पास आ रहा है, ऐसा मत करो। अकाउंट क्रिएट किए ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन अकाउंट क्रिएट करके दूसरों को मैसेज मेरे नाम से मैसेज करना ये गलत बात है भैया, ये मत करना। तो गाइज इसके कारण और इसके बावजूद मेरा जो जैसे मेरे फॉलोअर्स तक ही जा रहे थे व्यूज, तो फॉलोअर्स तक जा रहे थे इसका मींस मेरे फॉलोअर्स डेली 70-80K फॉलोअर्स मतलब डेली व्यू कर रहे थे मेरे ब्रिज को, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू। तो गाइज मेरे कहने का मतलब ये था कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपका अकाउंट सीज हो जाए या आपका अकाउंट डिलीट हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से आपका अकाउंट डिलीट भी हो सकता है, इसीलिए कम्युनिटी गाइडलाइन को उनका ना तोड़ें, उनकी सीमाओं में रहें और काम करें। और एक नोटिफिकेशन आपके लिए है कि जितनी मेहनत आप इंस्टाग्राम पर करते हो उतना ही मेहनत आप अगर फेसबुक में करते हो, तो फेसबुक जो है अभी सभी को उसमें कुछ क्राइटेरिया बांधा हुआ है 10K फॉलोअर्स होने का, तो जितना एफर्ट आप इंस्टाग्राम पे लगाते हो ठीक हो उतना ही मेहनत वही वीडियो आप फेसबुक में भी जाके छोड़ें, फेसबुक भी जो है आपको अर्निंग दे रही है। तो गाइस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो जो है इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।